अहंता ममताशाली जीव, इस तरह से हमें उसे समझना चाहिए। और उसके अतिरिक्त उसके ऊपरी देह के साथ जुड़े हुए जो दोष हैं उनको यहां देह के दोष के रूप में समझाए गए हैं। आ रहा है समझ? कुछ आधी नींद में वैसे लग रहा है। यद्वा, अथवा एक और विकल्प भी आप देते हैं कि जीव पदे न अविद्या संबंधवान चेतन, यहां जीव के दोष दूर होते हैं ऐसा कहा है। तो जीव का मतलब समझना चाहिए कि ऐसा चैतन्य कि जिस चैतन्य को अविद्या माया ने पकड़ लिया है, उसमें वो घिरा हुआ है। ऐसी अविद्या वाला जो चैतन्य है, अज्ञान वाला चैतन्य है, यानी अविद्या या अज्ञान वाला चैतन्य का मतलब क्या है कि चैतन्य जो है वो तो ब्रह्म का अंश है, शुद्ध है, पर उसके साथ शरीर जुड़ता है, इंद्रिय प्राण देह जुड़ते हैं, तब वो चैतन्य ऐसे समझता है कि मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं प्राण हूं, मैं अंतःकरण हूं। अब उसकी वो शुद्ध चैतन्य वाली स्थिति नहीं रह गई। जैसे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉमन होती है, पर कुछ ऐसे उपकरण हैं कि जो ठंड देते हैं, कुछ गर्मी देते हैं, कुछ मूवमेंट देते हैं, कुछ उसमें मैग्नेटिक फोर्स पैदा करते हैं, ऐसे अलग अलग तरह के कार्य उसमें जुड़ते हैं। तब हम उसे कैटेगराइज जब करेंगे तब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक मेजर कैटेगरी बनेगी, उसके बाद कुछ हवा देने वाले, कुछ हवा सोखने वाले, कुछ प्रकाश देने वाले, कुछ गर्मी देने वाले, कुछ ठंडी वाले, इस तरह से उसकी अलग अलग कैटेगरी बन जाएंगी। अब उसमें वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो छुप गया जो उसका मूल स्वरूप था, वो छुप गया। हम आयरन ले रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है कि जो गर्मी देता है और साथ साथ कपड़े की क्रीज को मिटाता है। अब ऐसा स्वरूप वो मूल इलेक्ट्रिसिटी का तो नहीं था कि जो नर्मदा के सरदार सरोवर डैम में से पैदा होकर आ रही है, वहां वो बात नहीं थी। हम लोग गए थे तब हमको एक वाघ बकरी नाम के वैष्णव वहां लेकर गए, उन्होंने कहा कि देखो बिजली पैदा होती है उसका प्रभाव कैसा होता है। तो जहां से टर्बाइन में से बिजली पैदा होती है और केबल सब बाहर जाते हैं, वो अच्छा इंसुलेटेड केबल थे, पर उसने कहा कि आप यहां खड़े रहिए उसके नीचे। तो मैं वहां खड़ा तो मेरे सब बाल ऊंचे हो गए, इतना फोर्स था उसमें। अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो थी, अब इंसुलेटेड नहीं होती तो मैं भी चिपक जाता ऊपर, अच्छा इंसुलेशन था उसमें और काफी 15-20 फीट नीचे में था उसके, फिर भी बाल सब खड़े हो गए। फिर वो आगरी बकरी ने देखा कि देखा इसका बिजली का चमत्कार, आप पण अग्नि स्वरूप छो, आप पण अग्नि स्वरूप से एटले यहां संबंध थी गयो। मैंने कहा आप भी आ जाओ तो साथ में, तो क्योंकि मेरे बाल ही कहां है। जयेश भाई हालोल के ही थे, वो हमारे पड़ोस में रहते थे, तो केवड़िया कॉलोनी में वो इंजीनियर थे, अब अभी भी शायद होंगे। तो क्या बात थी वो आग बकरी में? हाँ, जीवात्मा जो है उसको यहां अविद्या संबंध से, यानी जीवात्मा अपने आप को ये समझती है कि मैं ब्रह्म का शुद्ध चैतन्य जड़ पदार्थ नहीं हूं, चिद्रूप हूं, पर उसके साथ शरीर जुड़ने पर शरीर तो अचेतन होता है, फिर भी शरीर के धर्मों को, शरीर के गुणों को वो अपना स्वरूप गुण धर्म मान लेती है। ये उसका अध्यस्त होना है या अविद्या से घिरा हुआ होना है। तो जीव पदे न अविद्या संबंधवान चेतन, देह पदे न देहद्वयम इति बोध्यम, यानी इससे पहले जो ऑप्शन बताए थे इन देह और जीव के संबंध में, वो अगर आपको इतने ग्राह्य न लगते हो तो ऐसा अर्थ भी इसका समझा जा सकता है कि जीव पद से अविद्या से घिरा हुआ अध्यस्त जीव और देह पद से स्थूल और सूक्ष्म देह। पर बात यह है कि ये तीनों चीजें आ जानी चाहिए, किन कौन से शब्द से कितना अंश आप ले रहे हो वो आपके ऊपर है।
अब एक यहां ये पदार्थ हो गया। अब यहां जो कहा जा रहा है कि ब्रह्म संबंध करने से देह और जीव के सभी दोष निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं, उसके ऊपर एक प्रश्न आप खड़ा कर रहे हैं। वो प्रश्न क्या है कि ननु ब्रह्म संबंध करण मात्रा चेत, ये दिख रहा है ना यहां है, हाँ, सर्वेशाम देह जीवगत सर्वदोष निवृत्ति ही। ब्रह्म संबंध करने मात्र से सभी के देह और जीव के सभी दोष अगर दूर हो जाते हों, ऐसी बात हो, ऊपर चढ़ाऊं, तदा यानी ब्रह्म संबंध करने मात्र से देह और जीव के सभी दोष दूर हो जाते हो, तब तो निर्दुष्टत्वात् देह के दोष भी गए और जीव के दोष भी गए, यानी जिसका ब्रह्म संबंध हुआ वो अब दोष रहित हो गया। अब क्या स्थिति हुई, प्रतिबंधका भावे न, अब उसको कोई प्रतिबंध रहा नहीं, प्रतिबंध नहीं रहा मतलब अब उसके जीने के लिए कोई कारण बचा नहीं, क्योंकि हमारा जो जीवन होता है वो जीवन या तो पुण्य शेष हो तो रहता है या पाप शेष हो तो रहता है। अगर पुण्य भी नहीं है और पाप भी नहीं है तब तो आत्मा को मुक्त होना ही है, तत्काल यानी सद्यो मुक्ति उसकी हो जानी चाहिए, जो कल मैंने श्री गिरधर जी के ब्रह्म संबंध का दृष्टांत दिया था कि गिरधर जी के ब्रह्म संबंध देने के साथ ही एकदम रॉकेट फायर हो जाता, लीला में प्राप्ति हो जाती, तो वो स्थिति हो जानी चाहिए। तो तदानीम सेवया मुख्य फल प्राप्ति ही, तो उसी क्षण सेवा से मुख्य फल की प्राप्ति उस जीवात्मा को हो जानी चाहिए, या तो सायुज्य हो जाना चाहिए या भगवत लोक में सेवोपयोगी देह की प्राप्ति हो जानी चाहिए। गद्ये तादर्थ्ये नैव समर्पणस्य उक्तत्वात्, गद्य मंत्र में इसी आशय से समर्पण कहा गया है। तस्य दान हेतुकत्वात् भगवद इच्छाधीनत्वात् तदभावेपि सायुज्य प्राप्तिस्तु स्यादेव, यानी भगवान को जो समर्पण किया जा रहा है गद्य मंत्र के द्वारा वो भगवत सेवा के लिए है, पर भगवान जो अगर फलदान करना चाह रहे हैं तब बिना सेवा के भी उसे फलदान कर सकते हैं, या अल्प सेवा कराकर भी उसको फल मुख्य फल की प्राप्ति करा सकते हैं। ऐसे भी दृष्टांत भगवदियों के प्राप्त होते हैं, जो चार भगवदियों के एक साथ ठाकुर जी पधराने के प्रसंग हैं, क्षत्राणी के यहां नदी में से प्राप्त हुए, उसमें कुछ भगवदी ऐसे ही हैं कि उनके घर पधारे पधारे वो पधरामणी होकर ही वो भी पधार गए, ये भी पधार गए, ठाकुर जी भी पधार गए और भगवदी जी पधार गए, तो अल्प सेवा से ही उनकी मुख्य फल की प्राप्ति हो गई, तो इतना तो हो ही जाना चाहिए, और न हो तो भगवान सायुज्य तो दे ही सकते हैं, उसके लिए ऐसा आवश्यक नहीं है, भगवान कभी भी सायुज्य देते हैं, जैसे अंतर्ग्रहणता व्रज भक्तों को भगवान ने सायुज्य फल दे दिया था। तत्र प्रतिबंधकस्य अभावात् सेवायाश्च पूर्वं कृतत्वात्, कोई ये कहे कि अभी तो सेवा हुई नहीं तो कैसे फल प्राप्ति हो गई, तो ये भी तो हो सकता है कि पूर्व जन्म की सेवा को प्रभु ने सेवा मान लिया हो। अगर फलदान करना ही चाहते हैं भगवान तो भगवान के पास तो कई उपाय हैं, तो वर्तमान जन्म में सेवा न कराकर पूर्व जन्म में की हुई सेवा से भी भगवान फलदान करते हैं, और इसी कारण अपने संप्रदाय में और अन्य संप्रदायों में भी एक ऐसी परंपरा रही है कि मृत्यु काल हो उस समय अगर किसी व्यक्ति की ऐसी इच्छा हो कि मुझे ये दीक्षा प्राप्त करनी है तो उसको मना नहीं किया जाता है। हम जानते हैं कि वो आगे कुछ कर नहीं पाने वाला है, पर ऐसी प्रबल इच्छा का उठना वो पूर्व जन्म में उसके द्वारा किए गए साधन का अनुमापक है, इसलिए अंतकाल में अगर ऐसी कोई इच्छा करे तो उसे मरणावस्था में हो तब भी
मंत्र दीक्षा दी जाती है, ऐसी सभी जगह शिष्ट परंपरा रही है। तो यही बात यहां कही जा रही है कि भी हो सकता है कि अभी नहीं हो पर परंतु पूर्व जन्म में ऐसे कोई प्रबल कर्म हो कि जिनको भगवान ने फलदान के लिए हेतुभूत मान लिया हो, तो वो भी संभव है। यानी प्रभु तो न माने तब भी हो सकता है, पर साधन और फल की व्यवस्था ढंग से होनी चाहिए, ऐसा अगर आपका आग्रह है तो वर्तमान में साधन न दिखलाई देता हो तो पूर्व जन्म में साधन किया होगा ऐसा हम मान सकते हैं। ये तात्पर्य है। जैसे जड़ भरत जी आदि का प्रसंग प्रसिद्ध है कि वो हिरण का जन्म हुआ, उसमें केवल उनकी हिरण के बच्चे में आसक्ति ही मात्र हेतु थी, और उसके बाद जो जन्म हुआ उसके बाद उनके पूर्व जन्म में किए गए जो साधन है उस बल से उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। इस तरह से जन्मांतरीय जो कर्म है या श्रवणादि साधन है उसे इसमें मुक्ति में हेतुभूत माना जा सकता है। समझ में आ रहा है ना आपको, विषय कठिन तो नहीं जा रहा है ना। बलराम जी, घनश्याम दास, आ रहा है ना विषय समझ में? हाँ राजू भाई, यहाँ पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं हाँ कि जिसका सर्व दोष दूर हो जाता है तो उनको तत्काल मुक्ति मिल जाती है, हो जानी चाहिए। हाँ हाँ, तो उसमें वो जीवन मुक्ति की बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो जीवन मुक्त रह के भी तो वो सेवा कर सकता है ना। वो तो इसलिए रहती है कि शब्द जन्य अभी आयु शेष है, पर अगर सर्वदोष की निवृत्ति हो जाती है तो प्रारब्ध भी नष्ट हो जाना चाहिए, तो जीवन मुक्ति का भी कहां अवसर रहा। ये मुद्दा है वहां पर। और प्रारब्ध अगर बच जा रहे हैं तो सर्वदोष निवृत्ति हो जाती है, ये बात मिथ्या सिद्ध होती है। तो फिर वो जीवन मुक्ति कैसे कहलाएगा भाई? नहीं है, वही तो होना ही नहीं चाहिए, सद्यो मुक्ति ही हो जानी चाहिए, पुरुषोत्तम जी का ये आग्रह है। नहीं वो बराबर है, लेकिन आप बता रहे हो कि जो जीवन मुक्त है यानी उस जिसका भी दोष बाकी है वो मुक्त नहीं हो सकता जीवन मुक्त की तरह, ऐसा बता रहे हैं। तो फिर उसको जीवन मुक्त कैसे कहा जाता है? वो जीवन मुक्त उसको कहा जाता है जिसका उसको कोई दोष नहीं रहा। नहीं, प्रारब्ध जन्य जो आयु है वो उसकी अभी शेष है, प्रारब्ध तो निश्चित होता है। नहीं तो वो आयु शेष है, वो ही दोष है। हाँ ओके ओके, तो वो प्रारब्ध भी तो जाना चाहिए सर्व दोष के साथ, तो वो क्यों नहीं जा रहा है? तो उनको भी दोष गिन रहे हैं आप? हाँ तो ठीक है। ये तो आशंका है। हाँ अभी उसका समाधान आप देंगे। तो क्या बात हुई कि मतलब ये हुआ कि ब्रह्मचर्य के बाद सभी दोष अगर दूर हो जा रहे हैं तब फिर मुख्य फल की प्राप्ति उस आत्मनिवेदी को हो जानी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रही है, ये मुख्य प्रश्न है, समस्या ये है। किंच हाँ तथा सति विवक्षितस्य पुष्टि मर्यादा भक्ति मार्गस्यैव उच्छेदः उपदेशकस्य अभावात्। अब समस्या यही आई जो शंकराचार्य आई थी, कल हमने देखा कि तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य के श्रवण मात्र से अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति हो जाती है और वो जीव ब्रह्मस्वरूप होकर मुक्त हो जाता है। अब ब्रह्मस्वरूप होकर मुक्त हो जाता है तो शंकराचार्य जी को जब ये महावाक्य का श्रवण करवाया गया तो वो मुक्त क्यों नहीं हुए, वो ये सब लिखने के लिए क्यों बैठे रहे? तो जो उपदेशक इस सिद्धांत को कह रहा है वो ही जब मुक्त नहीं हुआ तो उनके उपदेश को श्रवण करके या पढ़कर और लोग मुक्त कैसे हो पाएंगे? ये बड़ी समस्या आ गई। यही बात यहां श्री महाप्रभु जी के ऊपर भी लागू हो जाएगी।
कि ब्रह्म संबंध करने से सब दोष दूर हो जाएंगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। गद्य सहित पंचाक्षर मंत्र भगवान ने महाप्रभु को भी दिया, फिर भी महाप्रभु तो भूतल पर विराज रहे हैं। तो महाप्रभु के द्वारा जो अंगीकृत होंगे, जब महाप्रभु ही मुक्त नहीं हुए तो औरों की क्या गति होगी? और अगर मुक्त हो जाते हैं तो उपदेशक ही नहीं रहेगा तो आगे ये मंत्र कैसे चलेगा? तो पुष्टि और मर्यादा जो मार गए उसी का उच्छेद का प्रसंग आ जाएगा। ये बड़ी विकराल समस्या है, समझ में आया ना? माइक आप पाछड़। दंडवत प्रणाम। मुख्य फल प्राप्ति का तात्पर्य यहाँ पे थोड़ा पास में रखो। हाँ, मुख्य फल प्राप्ति का तात्पर्य यहाँ पे मुक्ति ही लेने का है कि और भी कोई उसका मीनिंग हो सकता नहीं, है? जो पुष्टि मार्ग या मुक्ति तो है ही ना, सायुज्य या भगवत लोक की प्राप्ति। अच्छा, तो जैसे निरोध में हम बोलते हैं कि वो भी एक मुक्ति है, निरोध में संसार आसक्ति प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत आसक्ति, तो वो भी हम एक मुक्ति मानते हैं। तो मान भले ही लो आप, लेकिन यहाँ पे तो ये भी मुक्ति तो है ही ना। हाँ, मतलब यहाँ पे वही मुक्ति की बात कर रहे हैं, वो निरोध लक्षण वाली मुक्ति की बात नहीं। नहीं, वो वाली बात नहीं। हाँ, किंच अभी इतनी बात पूरी नहीं हुई है, और भी बात है। उक्त रीत्या ब्रह्म संबंध करणोत्तरम अपि दोषाणाम प्रत्यक्षतो अनुभूयमानत्वात् विरोधोपि। आप ये कहते हो कि ब्रह्म संबंध करने से सब दोष दूर हो जाते हैं, पर किसी के भी दूर हुए ऐसा तो दिखलाई दे नहीं रहे हैं। सबके सब दोष सबके हमें नजर आ ही रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष विरोध है। आप कह कुछ रहे हो और उसका प्रभाव तो कुछ दिख नहीं रहा है। थर्मोमीटर लगाकर हम सब देख लें, सभी के सभी दोष हैं, बड़े होंगे कम तो नहीं हुए होंगे। अब क्या करना? कथम तन निवृत्ति अवगति ही, ये दूर हुए हैं उसे कैसे हम जान सकते हैं? इत्याकांक्षायाम, ये आकांक्षा होने पर दोषा निवृत्ति स्वरूपम वक्तुम पूर्वम दोषान गणयन तन निवृत्ति स्वरूपम सपाद श्लोके न भगवान आह। दोष दूर नहीं होते हैं ये अब आगे कहा जाएगा। उस बात को कहने के लिए दोष क्या होते हैं वो डेढ़ श्लोक से समझाएंगे। ये जब समय में जाएंगे तब, पुरुषोत्तम जी को धीरज नहीं है इसलिए वो अभी समझा दे रहे हैं, श्लोक बाद में आएगा। तो पुरुषोत्तम जी को इस बात की इतनी खुजाल आ रही है कि लिख डालूं मैं जल्दी से, भगवान जब कहेंगे तब और आगे लिख देंगे। तो अब वो आप समझा रहे हैं कि दोष दूर होते हैं या दोष दूर नहीं होते हैं, दोनों स्थिति में उसका क्या मतलब है उसे हमें समझना चाहिए। अगर ये बात पुरुषोत्तम जी न कहें तो और कोई समझाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि पूर्वाचार्यों ने किसी ने भी इस विषय के ऊपर कोई विवेचन नहीं किया है, तो ये करना बहुत आवश्यक है। किसी भी बात को हम अकेले बैठकर सोचें और विचार करें या पढ़ें तो इतनी नहीं खुलती है जितनी उसकी चर्चा कर एक दूसरे से मिलकर किसी को पढ़वा लिखा कर उसके अभिप्राय को लेकर जब हम समझें तब वो समझ में आती है। क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल उठते हैं कि जिसकी कल्पना भी हमारे मन में नहीं हो सकती है कि ये पंक्ति में से ये सवाल उठा कैसे, पर वो हमारी समझ कुछ और है उसके कारण वो सवाल नहीं उठा, पर दूसरी की अपनी समझ के हिसाब से उसे पढ़ने पर वो प्रश्न खड़े होते हैं। तो हम श्रद्धावश भगवान के वचन है, महाप्रभु के वचन है, इस तरह से उसको सोचते हैं तो हर बात को स्वीकारते जाते हैं, सवाल वहां उठता नहीं है। पर पराये बनकर हम इस बात को पढ़ें तो प्रत्यक्षर में कोई न कोई प्रश्न खड़ा हो सकता है, तो इस तरह से भी पढ़ना चाहिए। इसलिए पुरुषोत्तम जी ऐसा करते कि वो जो कुछ भी लेखन करते उनकी तीन प्रतियां निकालते। एक हमारे ताजी महाराज चापासनी के थे जो उनके शिष्य थे, एक प्रति उनको भेजते, वो एक प्रति खुद के पास रखते और तीसरी प्रति अन्य मार्गीय विद्वानों को वो भेजकर उसकी समीक्षा करवाते कि आप इसको पढ़कर बताओ आपको क्या लग रहा है।
फिर उनका जो उत्तर आता या खंडन आता उसे फिर से रिवाइज करके उनके पास जो प्रति होती उसके हाशिए में वो उन बातों को लिखते कि अगर इसका इस प्रश्न के ऊपर ये बात कही जा रही है तो उसका उत्तर यह है। तो ऐसे बहुत ही खुले मन के वो विद्वान हुए। अभी दान एकादशी वामन द्वादशी पर उनका उत्सव आ रहा है तो उनकी टीका का अवगाहन करना भी हमारे लिए उनके प्रति एक तरह से उनका तर्पण कहा जा सकता है या कृतज्ञता का ज्ञापन कहा जा सकता है। तो अब आप ये कहते हैं अत्र जीवस्य सहजा दोषाः। आगे भगवान ने ये कहा है कि दोषाः पंचविधा स्मृताः, पांच प्रकार के दोष कहे गए हैं। सहजा देश कालोत्था, लोकवेद निरूपिताः, संयोगजाः, स्पर्शजाश्च, न मन्तव्याः कथञ्चन। सहज दोष, देशोत्थ दोष, कालोत्थ दोष और संयोगज दोष और स्पर्शज दोष, ये सब लोक और वेद में निरूपित पांच तरह के दोष सुने गए हैं। ते न मन्तव्याः कथञ्चन, उन दोषों को दोष रूप किसी तरह से नहीं मानना चाहिए ब्रह्म संबंध के बाद, ऐसा भगवान आगे जाकर कहेंगे। उसमें जीव के सभी दोष और देह के भी सभी दोष, इसमें हमें सभी दोष में क्या समझना चाहिए, यानी जीव के भी सहज दोष, देशोत्थ दोष, कालोत्थ दोष, संयोगज दोष और स्पर्शज दोष, ऐसे पांच दोष जीव के भी मानने और पांच दोष देह के भी मानने, यानी कुल मिलाकर दस दोष हो जाते हैं, ऐसे समझना तो सर्वपद से क्या आशय है। और अगर जीव के सहज, देशोत्थ, कालोत्थ और संयोगज स्पर्शज दोष भी होते हैं तो उसका क्या मतलब है। इसी तरह देह के भी इन पांच दोष अगर होते हैं तो उसका क्या मतलब है, ये आप अब यहां समझा रहे हैं। अत्र जीवस्य सहजाः दोषाः अविद्या संबंध तत्कृत अभिमति प्राणधारण प्रयत्नाः। जीव के सहज दोष इस तरह से समझने चाहिए। सहज का मतलब जन्मजात, उसे सहज कहा जाता है। अविद्या का संबंध जीव को होना, ये जीव का सहज दोष है, ऐसा समझिए। क्योंकि जो सृष्टि प्रक्रिया है उसमें हमें ये बात समझाई गई है कि जब प्रकट हुए थे सभी जीव ब्रह्म में से तब तो ब्रह्म स्वरूप ही थे वो, यानी ब्रह्म के सच्चित आनंद तीनों ही गुणधर्म उसमें प्रकट थे। पर ब्रह्म ने ये सोचा कि सभी मेरे समान गुणधर्म वाले होंगे तो मेरे साथ उनकी क्रीड़ा कैसे हो पाएगी, तो उनमें कुछ विषमता लानी चाहिए, तो जीवों में से ब्रह्म ने अपने आनंद अंश को छुपा दिया। तो अब जीव हुआ सच्चिदात्मक, तीन में से एक गया, दो बचे, तो ब्रह्म से वो न्यून हो गया। न्यून हो गया तो अब जीव है वो शास्य हो गया, ब्रह्म है उसका शास्ता हो गया। जीव है वो प्रजा हो गई, ब्रह्म है वो राजा हो गया। जीव भक्त हो गया, ब्रह्म भगवान हो गया, ऐसे ये विषमता आ गई। तो अविद्या के साथ अब आगे जाकर, अभी तक जीव अशुद्ध नहीं है, अभी तक जीव बद्ध नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा उसके साथ संबंध नहीं हुआ है किसी का। पर ब्रह्म ने जब ये इच्छा की कि मेरे जो अलौकिक सामर्थ्य रूप गुणधर्म है वो उनमें से तिरोहित हो, उतना ही नहीं पर जीव अपने स्वरूप को भी भूल जाए कि मैं ब्रह्म का चिदंश हूं, मैं ब्रह्म का ही एक हिस्सा हूं, ये बात भी वो भूल जाए, इसलिए ब्रह्म ने अपनी शक्ति माया के द्वारा जीव को भ्रमित किया। उसे कहते हैं कि अविद्या का संबंध, यानी जीव को अज्ञान हो गया इस विषय का कि मैं ब्रह्म का अंश हूं। अब अज्ञान जब हुआ तब उसके आसपास जो प्रकृति और इंद्रियां, तत्व, इन सब को जो प्रकट किया था ब्रह्म ने, वो उसके साथ आ लगे और उसको उसने भी पकड़ लिया।
अब उसको प्राण का संबंध हुआ, इंद्रियों का संबंध हुआ, अंतकरण का संबंध हुआ, स्थूल देह का संबंध हुआ। अब खुद के स्वरूप को तो वो भूला हुआ है, तो जिसमें घुस गया उसी को उसने अपना स्वरूप मान लिया। जैसे पैदा होने वाला हर बालक या जीव, वो जिसमें से पैदा होता है उसे वो अपनी मां कहता है, जिस घर में रहता है वो उसको अपना घर कहता है। अब मूलतः तो वो एक चैतन्य है, पर वो जहां भी चला जाता है उसे वो अपना, उस सराउंडिंग को, वो अपनी सराउंडिंग, अपना स्वरूप, अपनी पहचान मान लेता है और उस तरह से वो जीता है। इसी को बंधन कहा जाता है। अभी कुछ समय पहले संस्कृत का अध्ययन क्रम यहां आरंभ हुआ, तो एक बालक को उसके अभिभावक यहां पढ़ाने के लिए आग्रह कर रहे थे कि आप हमारे बालक को भी यहां रखिए। अब हमने उनसे पूछा कि उनका क्या बायोडेटा है, तो उसने कुछ नाम बताया। क्या नाम था? लक्की। अब बालक का नाम लक्की था। मैंने कहा बालक चाहे दूध से धुला हुआ हो, पर इस नाम का अगर बालक होगा तो विद्यापीठ में उसका प्रवेश संभव नहीं है। ऐसे अजीबोगरीब नाम वाले, जिसकी भारतीयता के साथ कोई संबंध नहीं हो, उसको संस्कृत पढ़ाना और धर्म पढ़ाना, इसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। क्योंकि ऐसा नाम रखने की इच्छा होना वो भी उस परिवार की ना अक्लमंदी का सबूत है, कि इससे अधिक वो परिवार कैसे अपठित हो सकता है इससे अधिक। तो मैंने मना कर दिया कि मैं ये बालक को आप भले ही लाकर रख दो यहां पर, यहां के वातावरण, इस परिसर में ऐसे नाम का उच्चार हो वो भी हमें शर्म आने वाली बात लगती है। अब तो क्या ठीक है, आपको जो नाम रखना हो रख दीजिए, आप बालक को रखिए। तो मैंने कहा नाम रखना वो हमारा काम नहीं है, नाम आप तय कीजिए, आप उसका जो भी सरकारी प्रक्रिया होती हो उस तरह से प्रक्रिया करने के बाद ऑफिशियल नाम हमें दीजिए, तब हम उसको रखेंगे, उसके बारे हम बालक को यहां नहीं रख सकते। तो किसी लक्ष्मण ठीक रहेगा, लवकुश ठीक रहेगा? मैंने कहा वो जो भी हो आप पहले इसका आधार कार्ड बनाकर आइए इस नाम से, उसके बाद हम सोचेंगे। फिर वो बालक को ले जाना पड़ा उनको। अब देखिए, हो सकता था कि जिसका नाम लकी है या लक्की है, जो कुछ भी हो, उसे हम लक्ष्मण के रूप में यहां बुला देते। अब यहां जब तक वो रहता उसकी पहचान लक्ष्मण हो जाती। टेलीफोन से वार्तालाप होने पर भी उनके मां बाप के साथ लक्ष्मण या लवकुश से ही बात होनी थी। तो जो अहंता जिसकी बालक की, वो आठवीं पास था 13-14 वर्ष का, तब तक लकी के रूप में वो अपने आप को जानता था, वो उसकी अविद्या का स्वरूप था। अब हमने उस अविद्या को हटाने का प्रयास किया कि नहीं, अब ये अहंता नहीं चलेगी, मैं लकी नहीं हूं, मैं लवकुश हूं, मैं लक्ष्मण हूं, ऐसी अहंता तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। अब वो बदल जाएगी ना। अब वो सही हो या गलत हो, हमने उसको बदलना चाहा। इसी तरह जीवात्मा के साथ भी होता है। यहां आया वो अपने आप वो व्यवस्था भी कर सकते थे कि वहां हो तब तक वो लवकुश और हमारे यहां आए तब वो लकी। अपने यहां ऐसा होता है कि जब नाम होते हैं तो राशि नाम होते हैं, नक्षत्र नाम होते हैं, और उसी तरह लौकिक नाम भी होते हैं। वो तीन तीन नाम रखे जाते हैं, और भी नाम कई होते हैं, पर मिनिमम तीन नाम तो हर व्यक्ति के अपनी परंपरा में होते ही हैं। अब उनका उपयोग जब व्यवहार होता है तब लौकिक नाम से व्यवहार होता है, पर जब शास्त्रीय कर्म में हम बैठते हैं तब वो नाम से अगर संकल्प करते हैं तो वो कोई भी कर्म सफल नहीं माना जाता है, क्योंकि वो वहां या तो यूजर नेम में एरर आ जाता है या पासवर्ड में एरर आ जाती है, नॉट रिकग्नाइज्ड, फॉरगॉट योर पासवर्ड और रॉन्ग टाइप्ड योर यूजर नेम, ऐसे एरर वो देता है कर्म, कि हम नहीं जानते हैं कि ये शरद गोस्वामी कौन है, हमें तो राशि नाम चाहिए जो शास्त्रीय कर्म के लिए मान्य किया गया है, वो आप याद कर बोलिए, उसके बाद वो संकल्प होगा, अन्यथा वो संकल्प ही नहीं होगा तो आगे होने वाला जो कर्म है वो भी नलिफाइड हो जाएगा।
तो ऐसी व्यवस्था है। अब यहां पर जीवात्मा जो है उसका मूल स्वरूप जो था वो तो ब्रह्म का चिदंश है, वो है, वो तो विस्मृत हो गया अविद्या के कारण। अब जो भी उसका स्वरूप और उसकी समझ है वो ऐसी है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, या मैं बालक हूं, या मैं वृद्ध हूं, या मैं ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण का हूं, या मैं गरीब हूं या बीमार हूं, इस तरह की उसकी मतलब शरीर की जो पहचान है उस पहचान को जीवात्मा ने अपनी पहचान मान लिया है। इसे कहा जाता है जीव के सहज दोष। इसलिए अविद्या का संबंध तत्कृत अभिमति, वो अविद्या के संबंध के कारण उसकी जो मति अंडरस्टैंडिंग बनी है, खुद की पहचान बनी है, वो दूसरा दोष यानी गलत पहचान। और प्राण धारण प्रयत्न, आत्मा को तो जीने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, पर वो फालतू में ही शरीर में पड़ी है और प्राण नहीं ले रहे हैं तो वो कह रही है कि मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी। अरे तू कैसे मरेगी, तू तो चैतन्य स्वरूप है, तू कभी नहीं मर सकती है। पर हमारे अंदर प्राण अगर संकट में आते हैं, दमा हो जाता है, जल में डूब जाते हैं तो हाय हत्या मचा देते हैं, मर गए मर गए मर गए। तुम्हारे भोपाल में कार यूनियन कार्बाइड का हो गया तो कितने लोग मर गए। अब वो आत्मा थोड़ी परी थी, वो उनकी सबकी जो यूनियन कार्बाइड की गैस उनके नाक में आ रही थी तब उन सब की समझ ऐसी थी कि हम मर रहे हैं हम मर रहे हैं। अब उनको जाके अगर हम कहें तो और गुस्सा हो जाएंगे, एक तो मर रहे हैं और मार रहे हो। हम उनको ये कहें कि आत्मा किसी की मरती नहीं है, वो तो शरीर मरता है, आत्मा को प्राण की क्या जरूरत है, तो वो आपको भी मार दें। तो प्राण धारण प्रयत्न वो भी एक जीव का ही दोष है, वो सहज दोष है। इसीलिए जब प्राण संकट में होते हैं तो जीव ऐसा समझता है कि मैं मर जाऊंगा। अब लिंग देह जो होता है उसके सहज दोष क्या होते हैं, लिंग शरीर क्या होता है, वो मैंने आपको कहा, एकादश इंद्रियां, पंच प्राण और पंच तन्मात्राएं, इन सब का जो संघात है, मिला जुला रूप है, उसे लिंग शरीर कहा जाता है। और लिंग शरीर में इंद्रियों का प्राधान्य होता है। प्राण और इंद्रियों को वेद उपनिषद में एक रूप माना है, इसलिए इनकी जो गिनती है लिंग शरीर के घटक तत्वों की, उनमें कभी केवल पंच प्राण कहा गया है और कभी केवल इंद्रियां कही गई हैं। तो इंद्रियां और प्राण को हर बार अलग अलग नहीं कहा है, कहीं कहीं अलग भी कहा है, एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इस तरह से प्राण और इंद्रियों को अलग भी गिनाया गया है। और क्योंकि इंद्रियों का बल प्राण होते हैं, इसके कारण प्राणों को इंद्रिय समकक्ष भी कहा गया है। तो वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कुल मिलाकर 21 होते हैं घटक सूक्ष्म देह के तत्व, या पंच प्राणों को मान लो तो अंतःकरण पंच प्राण और पंच तन्मात्रा, तो इस तरह से 11 उसके घटक होते हैं। वो केवल संख्या की ही हेरफेर है, मूल बात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिंग देह के जो सहज दोष होते हैं वो काम क्रोध भूख प्यास, इन सबको लिंग देह के दोष कहा जाता है। यानी काम क्रोध आदि स्थूल देह में नहीं होते हैं, वो इंद्रियों में या अंतःकरण में होते हैं। इसी तरह भूख प्यास आदि जो होते हैं वह भी मन या इंद्रियों से होती संवेदनाएं हैं, शरीर के साथ उसका इतना संबंध नहीं है, इसलिए उनको लिंग देह के दोष सहज दोष माना जाता है। स्थूल देहस्य सहजास्तु माता पितृमलानुषंगात्मत्वम रोगादयश्च। स्थूल शरीर के जो सहज दोष होते हैं वो क्या होते हैं कि माता और पिता के मल का संबंध, इसी तरह रोग आदि जो बड़ों की कृपा से हमें संतानों को प्राप्त हो जाते हैं हेरिडिटरी, वो भी उनके सहज दोष होते हैं। आप क्यों इतना हंस रहे हैं? गुण भी प्राप्त होते हैं दोष भी होते हैं, तो रोग आदि भी आज तो सब लोग मानते हैं कि ज्यादातर आनुवंशिक होते हैं, तो वो सहज दोष माने जाते हैं स्थूल शरीर के दोष।
देश कालो था दयस्तु देहयोरेव न जीवस्य। देशोत्थ दोष और कालोत्थ दोष तो देह के ही दोष होते हैं, वो जीव के नहीं माने जाते हैं। यानी सर्व दोष में देशोत्थ और कालोत्थ दोष को आप जीवात्मा के दोष के रूप में मत मानना, ऐसा आशय है। वरना क्या होता है कि क्योंकि कह दिया है कि सर्व दोष निवृत्ति रही देह और जीव के, और आगे पांच गिना दिए, तो अब तो लिखा तो ऐसा ही है, तो अब आप उसी दिशा में सोचोगे कि भगवान ने कहा तो झूठ थोड़ी बोला होगा। तो जैसे जीव के पांच, देह के पांच दोष होते हैं या हो सकते हैं, ऐसे जीव के भी होने चाहिए। अब उसको नहीं होते हैं तो भी ठोक पीट कर बैठा दो पांच। पुरुषोत्तम जी यहां कहते हैं कि यहां सर्व शब्द असंकुचित वृत्ति से नहीं है, यहां यथा योग्य लेना चाहिए। सर्व का मतलब तो आत्मा के दोष का काल के साथ या देश के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए सामान्यतया देशोत्थ और कालोत्थ दोष आत्मा या जीव के दोष नहीं होते हैं। पर अब कोई कहता है कि नहीं सर्व दोष कहा है तो ठीक है, उसको भी बैठा देते हैं, पांचों पांच मान लेंगे आत्मा के। कैसे कि ते तद्वारा जीवे उपचर्यन्ते। वो जो देशोत्थ दोष और कालोत्थ दोष है वो देह के द्वारा जीव में उपचरित होते हैं, तो उनको भी मान लो। आपका बहुत आग्रह है तो इन दोषों को भी आत्मा के या जीव के दोष के रूप में आप मान सकते हो, पर वो साक्षात उनको दोषावह नहीं होते हैं, पर देह के द्वारा वो दोष, उसमें दोष का आभास पैदा करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तत्र देशोत्था, अब वो देशोत्थ दोष किसे कहते हैं, क्योंकि लोक वेद निरूपिता ऐसा कहा है, इन सब दोष लोक में और वेद में निरूपित हैं। तो शास्त्र में इसका निरूपण इस तरह से मिलता है कि मगध मरु सिंधु प्रभृति देशेषु उत्पत्त्या तत्र गमनादिनाच जाता। यानी मगध मरु और सिंधु इस नाम से जो जाने जाते प्रदेश हैं, उसमें पैदा होना या ऐसे प्रदेशों में जाना, इसे देशोत्थ दोष कहा जाता है। कालोत्थ क्या होता है, कलि प्रभवा, कलिकाल जन्य जो दोष होते हैं वह कृष्णाश्रय से हमें उसे समझ सकते हैं। दूसरा दुर्मुहूर्त प्रभवा, बुरे मुहूर्त में कोई काम करना या बुरे मुहूर्त के कारण पैदा होते दोष। दूसरा अवस्थादि कृताश्च, जैसे अभी तो कल तो हमने देखे थे अच्छे घूमते फिरते थे, अभी एक साल में ऐसे हो गए, तो अब वो जो हमें दिखाई दे रहा है वो अवस्था बदलने के कारण, वो अवस्था कालकृत होती है, तो अवस्था बदलने के कारण भी दोष आते हैं। उत्थ शब्दो द्वंद्वान्ते श्रूयमाणः प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। देश कालोत्था उसमें उत्थ शब्द जो अंत में दिया है वो देश के साथ भी जुड़ेगा और काल के साथ भी जुड़ेगा। द्वंद्व आने के साथ ही चर्चा सभा, पुष्टि सिद्धांत चर्चा सभा ताजी हो जाती है। तेन अत्र दोषद्वयम्, यानी इन देश कालोत्थ को एक नहीं मानना चाहिए, दो अलग अलग दोष हैं ऐसे समझना चाहिए। एतान भक्ति मार्गीयेभ्यो दोषेभ्यो व्यावर्तयितुं विशिंशन्ति लोकवेद निरूपिताः। ये दोष लोक और वेद में कहे गए हैं ऐसा कहा है, ये भक्ति मार्गीय दोष नहीं है। भगवान ने क्यों ऐसा विशेषण लगाया कि लोक वेद निरूपिताः देश कालोत्था, लोक वेद निरूपिताः संयोग स्पर्शजा देश कालोत्था सहजाः, ऐसे सबको सबके आगे ये विशेषण क्यों दिया कि इन दोषों का निरूपण लोक और वेद में है। भगवान ने ये बात इसलिए कही कि ये भक्ति मार्गीय दोष नहीं है,
इस बात को समझाने के लिए भगवान ने ये इतना भारी भरकम विशेषण यहां रख दिया है। तो अब आप निश्चिंत हो जाओ कि आप मगध मरु सिंधु प्रभृति देश में पैदा हुए हो या जा रहे हो, कोई चिंता नहीं है। कोई दूर मुहूर्त में पैदा हो रहे हो, माता पिता के वर्ण आश्रम या लिंग आदि या ऐसे कोई रोग आदि के साथ जन्मे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो दोष भक्ति मार्ग से कुछ संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि ये तो लोक में वेद कहे गए हैं, दोष कहे गए हैं, या शास्त्र में इन्हें दोष रूप कहा गया है। समझ में आया ना? विशेषण थी मतलब ऐसा विशेषण यहां क्यों रखा कि लोक वेद निरूपिता। तो हमें शास्त्र अपने लिए सब कुछ है प्रमाण, और शास्त्र में कहे गए दोष हैं वो भी अपन को मानने योग्य होने चाहिए। हाँ, तो मतलब शास्त्र में है लोक वेद में और भक्ति मार्ग में नहीं है, ये दोष भक्ति मार्ग ये नहीं है। तो भक्ति मार्गीय नहीं है ये ऐसो क्या, मतलब मुझे स्पष्ट नहीं हो रहे हो, भक्ति मार्गीय नहीं है। नहीं, भक्ति मार्गी में जैसे अन्याश्रय ये दोष है, अन्य भजन ये दोष है, असमर्पित भक्षण ये दोष है, असत्संग असद आलाप आदि दोष हैं, ये शुद्ध भक्ति मार्गीय हैं। इन दोषों को शास्त्र में इस तरह से वर्णित नहीं किया गया है, या लोक में भी इन्हें दोष नहीं माना जाता है। जैसे कोई वैष्णव है वो कोई अवैष्णव ग्राहक के साथ धंधा करता है कि उसको ये वास्ते माल खरीद बेच करता है तो लोक में उसे दोष नहीं माना जाता है, शास्त्र में भी कोई आपत्ति नहीं है, खरीद फरोख्त जिसके साथ करनी हो करो। समझ में आया ना? तो कुछ शुद्ध भक्ति मार्ग से संबंध रखने वाले दोष होते हैं, कुछ एक दूसरे में घुसने वाले भी होते हैं, पर वो आगे और उसकी ज्यादा स्पष्टता करेंगे। इदंच विशेषणम देहली दीपवत पूर्वापरयो हो संबध्यते इति पंचस्वपि तदन्वयः। ये बूटाला है, ये आपने देहली दीपन न्याय का पूछा था कि देहली दीपन न्याय क्या होता है, वो अब यहां आ रहा है। बूटाला का ऐसा है कि वो सत्र शुरू होने के 15 दिन पहले ही प्रश्नों की लिस्ट भेज देते हैं उनकी जिज्ञासा और पूर्व अध्ययन इतने उत्साहित रहते हैं। तो उन्होंने ये पूछा था कि ये देहली दीपन न्याय क्या होता है। देहली दीपन न्याय का मतलब ये है कि दरवाजे की दहलीज पर दिया रख दो तो अंदर भी प्रकाश देता है और बाहर भी देता है, उसे देहली दीपन न्याय कहते हैं। कहां गया? लोक व्यवहार इदंच विशेषणम, ये लोक वेद निरूपिता, ऐसे जो कहा कि ये पंच दोष लोक वेद में कहे गए हैं, इसे देखो क्या किस क्रम में इसे रखा है। सहजा देश कालोत्था 3 गिनाए, फिर लोक वेद निरूपिता, उसके बाद संयोग जाह स्पर्श जाह, 2 दोष बाद में गिनाए, 3 पहले गिनाए, बीच में लोक वेद निरूपिता ऐसा कह दिया। तो कई लोग अब समास किसी तरह से भी हो सकता है, दोषों की गिनती आप ऐसे भी कर सकते हो कि सहज दोष, देशोत्थ दोष, कालोत्थ दोष, लोक वेद निरूपित दोष और संयोग स्पर्शज दोष, आप 5 ऐसे भी गिन सकते हो। तो लोक वेद निरूपित को एक दोष के प्रकार के रूप में गिनना चाहिए या ये 5 दोष लोक और वेद में कहे जाते हैं इस तरह से समझना चाहिए। तो श्री पुरुषोत्तम जी का यह अभिप्राय है कि इन 5 दोषों का विशेषण यह है, और वो देहली दीपन न्याय से आगे के 3 के साथ भी जुड़ता है और पीछे कहे जाने वाले जो 2 संयोगज स्पर्शज है उसके साथ भी जुड़ता है। हुआ स्पष्ट? जय जय दंडवत। जय जय। ये जो जेनेटिकली बाय डिफॉल्ट अगर कोई दोष होता है, कोई जन्म से जेनेटिकली, और कोई ओल्ड एज होता है, तो उसको दोष भी कैसे कहा गया वो समझ में नहीं आया। वो दोष कैसे हुआ जेनेटिकली बाय डिफॉल्ट और ओल्ड एज बाय डिफॉल्ट, वो दोष कैसे हो गया? नहीं, दोष इसलिए कि सब लोग नीचे बैठे हैं, आप ऊपर बैठे हैं तो
तो किसी के मन में तो ये होगा ना कि देखो सब कैसे नीचे बैठे हैं, आप क्यों, आप कहेंगे कि मैं ओल्ड एज हो गई हूं तो अब मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूं। आपकी वो सोच है, पर और लोगों की जो नीचे बैठ सकते हैं उनकी सोच तो ऐसी होगी ना, तो वो बाय डिफॉल्ट है तो उसको दोष में गिना जाएगा। अब कोई दोष अपने आप में दोष है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? आप जिसे गुण मानते हो उसे कोई दोष भी मानता है, हाँ, और तो जिसे हम दोष मानते हैं वो किसी को कोई गुण भी मानता है। जैसे गुजराती में कहावत है कि घरड़ा गाड़ा वाड़े, बड़ी उम्र के लोग हैं वो अपनी अनुभव और बुद्धि से कठिन काम भी कर देते हैं। अब वृद्ध होना वो गुण हो गया, समझ में आया? और जो कोई उत्पाद करता है तो उसका अच्छा ये तो बच्चा है, अब छोटा होना वो उत्पाद करने पर भी गुण हो गया, अपराध से दूर होने के लिए, बचने के लिए। तो गुण और दोष का कोई एक पैरामीटर नहीं होता है। जब शास्त्र कहता है कि दोष है तो दोष, बहुजन समाज कहता है कि आज उच्च वर्ण में पैदा होना दोष है, शास्त्र कहता है कि गुण है। अब दोष है कि गुण कौन निर्णय करेगा? आज हर आदमी ये सोचता है सवर्ण कि काश मैं शेड्यूल कास्ट में पैदा हुआ होता, कास्ट में जाने जाने दूसरी कौन कौन सी कैटेगरी माइनॉरिटी है उसमें पैदा हुआ होता तो मुझे नौकरी मिल जाती। तो अब गुण दोष की स्थिति बदल गई ना, तो ऐसा कहीं दोष ही सदा सर्वदा रहता हो ऐसा नहीं होता है, गुण सदा गुण रूप होता है ऐसा भी नहीं होता है जी। अब हमारे अगर बाल सफेद नहीं हुए बड़ी उम्र होने पर भी, वो काले ही रहे पर उम्र बढ़ गई, जवानी दिखाने के लिए बाल काले हैं, शरीर तो अब वृद्ध हो चला है। आपको एक दृष्टांत बना, आपके बाल रंगते नहीं हो ना, आप रंगते हो? अरे बाप, अब आपके मान लो काले बाल देखकर कोई जवान आदमी का काम आपको दे दे तो काले बाल आपकी मुसीबत हो गई कि नहीं? तो अब काले बाल होना अच्छी बात है या बुरी बात है? उससे तो अच्छा होता कि सफेद होते तो वृद्ध मानकर कोई काम तो ना देता। आपने जवाब दे दिया, आप प्रिंसिपल हो फिर भी। क्या ठीक है, इदंच विशेषणम देहली दीपवत पूर्वा परयो संबध्यते इति पंचस्वपि तदन्वय। पांचों दोषों के साथ लोकवेद में कहे गए सहज दोष, लोकवेद में कहे देशोथ, लोकवेद में कहे कालोथ, इस तरह से सभी जगह समझना चाहिए। उचितंच एतत्, और ये सही भी है, वो क्यों है वो आगे कहा है उसकी अब यहां चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब संयोगज दोष किसे कहा गया है? बुद्धिपूर्वकम कामे न च सम्यक मनोयोग जन्याहा। जो दोष हम बुद्धिपूर्वक करते हैं सोच समझकर अथवा कामना से करते हैं, इच्छा से करते हैं, सम्यक मनोयोग जन्याहा, करते समय भी हमारे बारे में, हमारे मन में उसके बारे में कोई भ्रांति नहीं है, हम स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि ये गलत है और मैं गलत कर रहा हूं, उस विषय में कोई भ्रांति नहीं है, इन दोषों को संयोगज कहा जाता है। या संयोग का मतलब है मनस संयोग या बुद्धि संयोग। इसी तरह स्पर्शज अबुद्धिपूर्वकम अकामतश्च जाता। कई दोष ऐसे होते हैं कि जो हमारी सोच समझ कर मनोयोग पूर्वक नहीं करते हैं पर हो जाते हैं, तो उन्हें स्पर्शज मानना चाहिए। ये नवीन अप्रचलित व्याख्या है, जो दूसरे जो आचार्य हैं उन्होंने इन पंचदोषों के विवरण में जो बातें कही हैं उनसे पुरुषोत्तम जी का इस विषय में विशिष्ट दृष्टिकोण है। पुरुषोत्तम जी का सामर्थ्य है कि कोई उनको पूछे कि भी ऐसा व्याख्या क्यों आपने की तो उनका वो जवाब दे सकते हैं। ते कथंचन, अब इन पांच प्रकार के दोष जो लोक और वेद में हमें प्राप्त होते हैं
उनके बारे में भगवान कहते हैं कि ते कथंचन न मंतव्याः, इन दोषों को किसी तरह से नहीं मानने चाहिए, नहीं मानने चाहिए यानी दोष रूप नहीं समझने चाहिए। केनापि श्रौतेन वा स्मार्तेन वा लौकिकेन वा प्रकारेण न मंतव्याः सेवा प्रतिबंधकतया न विचारणीयाः। इन दोषों को अगर वो श्रुति में यानी वेद में कहे गए हो तब भी, स्मृतियों में यानी पुराण आदि में कहे गए हो तब भी, और लोक में भी अगर इनको दोष रूप माना गया हो तब भी, इन दोषों के होते हुए भी कोई ये सोचे कि मैं भगवत सेवा नहीं कर सकता हूं, तो उन्हें इन दोषों को सेवा में प्रतिबंधक नहीं मानना चाहिए। ये तात्पर्य। सो स्पर्शजाहा, स्पर्शजा का मतलब यह है कि सोच समझकर सभानता से जो दोष होते हैं वो संयोगज कहे गए, ऐसी सभानता से जो नहीं हुए हैं वो दोष स्पर्शज दोष है। यानी दुष्ट स्पर्श दोष के कारण जो अपवित्रता आती है उसे स्पर्श दोष माना जाता है, सामान्य जो उसका अर्थ है उससे ये अलग अर्थ आपने कहा है। अन्वय बाबा, ब्रह्म संबंध होवे के बाद मतलब हो गयो तो ये जो पांच दोष गिनाए हैं वो प्रतिबंधक सेवा में नहीं होंगे। अब या के बाद, अच्छा मतलब पूर्व के बात है ना, या तरीके से लेना कि आगे भी प्रतिबंधक नहीं होंगे, आगे भी नहीं होंगे अगर अपन संयोगज करेंगे कोई दोष। वो तो अब आगे की बात आगे सोचेंगे, अभी से उसकी टेंशन लेकर क्यों फिर है? आज हो ना कि जा रहे हो? आज जाना है, तो फिर क्या है, हो जाएगा। तुम्हारा क्या हुआ? नहीं, ग्वालियर वाले कुछ आज भाग जाने वाले थे ऐसे समाचार थे। आज जा ही रहे हो तय? अच्छा, या मैं एक जो लोक वेद विशेष के और भक्ति मार्ग के दोष या मैं नहीं अभी गिनाए हैं, तो यानी कि अगर अपन ने ब्रह्म संबंध से पहले कोई भक्ति मार्ग संबंधी दोष किए होंगे वो नहीं, वो अपन भक्ति मार्ग में तो है ही नहीं, तो वो जो दोष वहां वो भक्ति मार्ग संबंधी दो दोष किए भी होंगे जो अब भक्ति मार्ग में अपन ने गिन रहे हैं अन्य आश्रय या अन्य संबंध जो भी है, वास्तव में जो किए भाई दोष है भक्ति संबंधी दोष वो गिने ही नहीं जाएंगे, मतलब वो है ही नहीं, वो दोष ही नहीं है वास्तव में के। हाँ, वो दोष ही नहीं है। अब अपन ये अन्य आश्रय अब करें तो वो भक्ति मार्गीय संबंधी दोष गिनो जाएगा। पूर्व में ब्रह्म संबंध से पूर्व में अन्य आश्रय कोई है ही नहीं है ऐसा। हाँ, और कोई पूछ रहा था कुछ नहीं ना, किसी को है और करें आगे। जे जे जे, हेलो। हाँ प्रीति बहन। हाँ जे जे, दंडवत प्रणाम। हाँ, आज श्लोक नी बात चाले छे ने, सर्वेषां देह जीवयोः ब्रह्म संबंध करणात सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्ति रही, एमां जे देह अने जीवनी जे वात चाले छे एमां मने ए नथी समझातुं के जे कई पण प्रॉब्लम थई रह्या छे जीव साथे थई रह्या छे, एटले के जीव ने जीव अविद्याग्रस्त थयो एना कारणे ए जीव ने देह नो संबंध थयो अने एना कारणे देह ने पण बधा दोष थया। खरेखर तो जो देह छे जड़ पदार्थ छे अने जड़ पदार्थों ने आ सृष्टि में अविद्यानो संबंध थतो नथी, जीवनो संबंध जीव ने अविद्या थवाथी एने जड़ देह साथे संबंध थाय छे अने ए देह ने अहियाँ दोष गणावामां आवेला छे। जो ए पंचमहाभूत थी बनेलो देह ने जीवनो संसर्ग ना थयो होय तो ए देह क्यारे पण दोष करवानो न हतो, तो पछी जीवने कारणे थता दोष मननी साथे देहने शा माटे संलग्न करवामां आव्यो छे? मतलब जड़ पदार्थ ए तो जड़ छे ने, तो देहना दोष एम जीव देह देह यो हो
તો દેહ યોહો એમ કરીને અહીંયા આગળ એમ પુરુષોત્તમજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે દેહ પદસ્ય પૃથક ઉક્તિસ્તુ સ્થૂળ શરીર દોષાણામ અભિક્ષણામ અભૂયમાનતયા દોષ કરત્વ બોધનાર્થમ. એટલે કે યહ શરીર સમસ્ત દોષો કા ખજાના હૈ, યહ બોધ કરાને કે લીએ દેહ કો પૃથક રૂપ સે પ્રયુક્ત કિયા જા રહા હૈ. તો યે પ્રશ્ન મેરા યે હૈ કે દેહ કો ક્યું પૃથક રૂપ સે. હા, એ અચ્છા હૈ પ્રશ્ન, તમે ચર્ચામાં હાજર રહ્યા કરો. પ્રીતિબેન કા યે પ્રશ્ન હૈ કે દેહ તો જડ હૈ, ઉસકે તો દોષ હો કૈસે સકતે હૈ, જીવ ઉસકે સાથ જોડને પર હી તો દેહ મેં દોષ ભી કરને કી સામર્થ્ય આતી હૈ, તો હોના ઉલ્ટા ચાહીએ કે જીવ કે કારણ દેહ મેં દોષ આતે હૈ, દેહ કે કારણ જીવ મેં દોષ આતે હૈ, એસા ક્યું કહા જા રહા હૈ. અચ્છી બાત હૈ, વિચાર તો કરના હી ચાહીએ, તો કરના. આપ લિખ લેના પ્રશ્ન, યે સબ લોગ સમજ મેં આયા ને પ્રશ્ન. બાત તો મુદ્દે કી હૈ, દેહ અચેતન હૈ, અચેતન મેં દોષ કેસે હો સકતા હૈ? વો અચેતન દેહ દોષ તબ કરતા હૈ જબ ઉસકે સાથ જીવ જોડતા હૈ, તો જીવ કે કારણ દેહ મેં આના ચાહીએ દોષ, તો યું ક્યું આજ્ઞા કર રહે હૈ પુરુષોત્તમજી કે દેહ કે દોષ કા ઉપચાર જીવ કે દોષ કે રૂપ મેં કિયા જા રહા હૈ યા હો સકતા હૈ, એસે માના જા સકતા હૈ? આવો જ આશય છે ને? હા, અચ્છી બાત હૈ. અબ દેખો, યે પુરુષોત્તમજી ને ભી નહીં સોચા હોગા કે એસા સવાલ ખડા હો સકતા હૈ. ઉન્હોને તો છાતી ઠોક કે સમાધાન દેને કી દ્રષ્ટિ સે યે લિખ દિયા, ઓર હમ લોગો ને ભી માન લિયા કે વાહ વાહ ક્યા બાત કહી હૈ. અબ હમ સાથ મિલકર બેઠ કર સોચ રહે હૈ, તબ યે સવાલ ભી પુષ્ટિ માર્ગ કે 550 વર્ષ કે ઇતિહાસ મેં જો નહીં ખડા હુઆ હોગા વો આજ. ઓર મુદ્દે કી બાત હૈ, તો સામૂહિક ચિંતન કા યે ફલ હૈ. મજાક મેં નહીં કહે રહા હું, મેં આપ લોગ હંસ રહે હૈ, યે ગંભીર બાત હૈ. સાથ મિલકર જો ચિંતન હોતા હૈ વો અકેલે નહીં હો પાતા હૈ. અબ યે આખી પૂરી અલગ દિશા હૈ સોચને કી. आगे करते हैं, इनको इन दोषों को कथंचन न मंतव्या, कहां गया? हां, ते कथंचन न मंतव्या, यानी केनापि श्रौतेन वा स्मार्तेन वा लौकिकेन वा प्रकारेण. श्रौत प्रकार यानी वैदिक प्रकार से, स्मृति पुराणों में कहे गए प्रकार से, या लोक वर्णित प्रकार से भी इन दोषों को सेवा में प्रतिबंधक के रूप में नहीं विचारने चाहिए, ऐसा आशय. अब क्यों, उसका कारण समझाते हैं कि ब्रह्म संबंध करणोत्तरम, ब्रह्म संबंध करने के उत्तर यानी बाद में, देहेन्द्रिय प्राणांतकरण जीवेशु तद्धर्मेशु च, गद्य मंत्र को जो जानते हो उनको इन शब्दों से अच्छी तरह बोध होगा कि देह इंद्रिय प्राण अंतकरण और जीवों में और इनके धर्मों में भगवदीयत्वे अनुसंहिते, ब्रह्म संबंध के कारण इन सब में उसके भगवदीय यानी भगवान के होने का अनुसंधान उसमें बन जाता है कि ये मेरे नहीं है, भगवान के हैं. तत्स्वामित्वेन तत्प्रेरकत्वेन च भगवतः एव अनुसंधानात्, इसके स्वामी भी भगवान है और इसके प्रेरक भी भगवान है, ऐसा उसका अनुसंधान बन जाता है. इस कारण तेषां स्वसंबंधित्व निवृत्ति ही, इसका परिणाम क्या होता है कि जिसके देह प्राण इंद्रिय अंतकरण और उसके धर्म हैं, वो अब ये समझता है कि ये मेरे नहीं है परंतु भगवान के हैं, तो इनसे उसका जो संबंध है वो संबंध
विच्छिन्न सा हो जाता है। इति इस कारण तेषाम स्वरूपतः सत्वेपि पारक्यवत तम प्रति अकिंचित करत्वात्। अब वो दोष इन सब में भले ही हो, स्वरूपतः वो दोष इन सब के अंदर जुड़े हुए भले ही हो, फिर भी वो पराये हो जाने के कारण आत्मनिवेदनकर्ता को वो प्रतिबंधक नहीं रह जाते हैं। यानी पारक्यवत तम प्रति अकिंचित करत्वात्, वो होते हुए भी कुछ कर पाने में समर्थ नहीं रह जाते हैं दोष। इस कारण तेषाम सेवा प्रतिबंधकत्व निवृत्तिरेव निवृत्तित्वेन अभिप्रेता न तु स्वरूपतो निवृत्ति ही अत्र अभिप्रेता। इसलिए इन दोष ये दोष ब्रह्म संबंध से निवृत्त हो जाते हैं ऐसा जो कहा गया है, उसका इतना ही मतलब है कि वो भगवत सेवा में प्रतिबंधक नहीं रह जाते हैं, स्वरूपतः उन दोषों का नाश हो जाता है, ऐसा निवृत्ति शब्द से अभिप्राय नहीं है। ठीक है, अब देखो इतना चिंतन होने के बाद जो सवाल खड़ा किया था कि क्यों आत्मनिवेदन होने के साथ ही जीवात्मा मुक्त नहीं हो जाती है, फिर उनको ये सब साधन क्यों कहे जा रहे हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, ये सब जो सवाल खड़े किए हैं उसका समाधान इतने अंतर के बाद अब आ रहा है कि तथाच इससे ये सिद्ध हुआ कि स्वरूपतः सत्वात् तदानीमेव सायुज्यादि प्राप्ति ही नवा प्रत्यक्ष विरोधः। ऊपर चढ़ाऊं कि वो दोष अभी अपने स्वरूप से वहीं पड़े हुए हैं, स्वरूपतः वहीं हैं, दोष नष्ट नहीं हुए हैं, वो है इसके कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई है। अब है तो योग्यता कैसे आ सकती है, वो क्यों आती है, क्योंकि होते हुए भी वो पराये से हैं, इसके कारण उनकी प्रतिबंधकता सेवा में नहीं हो पा रही है। इस तरह से दोनों ही जो प्रश्न थे उसका समाधान हो गया। जैसे कोई आदमी बारिश हो रही है और बाहर से अंदर आया, आने के साथ हमने देखा कि बारिश तो हो रही है एकदम, ये सूखा कैसे है, अब ये विरोध है। वो क्या कहेगा कि होने तो बारिश, मैं तो छाता लेकर आया हूं, रेनकोट पहनकर आया हूं, तो बारिश के होते हुए भी वो सूखा हो सकता है, वो बारिश उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसी तरह दोष भले ही हो पर वो पराये हो जाते हैं, इसके कारण प्रभु सेवा में वो प्रतिबंध पैदा नहीं कर सकते हैं, तो सेवा का अधिकार भी प्राप्त हो गया। और मुक्त क्यों नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हुआ कि उन दोषों की स्वरूपतः निवृत्ति नहीं है, नाश नहीं है, पर अप्रतिबंधकता मात्र है। जितने भी पेन किलर होती है वो क्या करती है, दोष को दूर नहीं करती है, रोग नहीं मिटाती है, पर रोग के जो सिम्टम होते हैं जिसके कारण हमको अपने रोजाना के व्यवहार करने में समस्या आती है, वो हमको भुला देती है कि ऐसा कोई रोग है, ऐसा भूल जाओ, गोली खा ली ना, बस अब कोई दर्द नहीं होगा, अब कोई बुखार नहीं चढ़ेगा, तो वो हमें ऐसा झांसा दे देती है वो गोलियां। तो दोष होते हुए भी हम अपना काम कर सकते हैं, तो वो दोष की अप्रतिबंधकता हो गई पर स्वरूपतः नाश नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही गोली का प्रभाव समाप्त होगा सो वही फिर दर्द बुखार ये वो सब चालू हो जाएंगे। तो बिल्कुल वही यहां हमें समझना चाहिए। पराया ये हमने भगवान को दे दिए हैं, भगवान के हैं, वो जाने, हमें क्या लेना देना। वार्ता जी में ऐसा आता है कि वो नारायणदास दीवान को कुछ घपले में उनको सजा हो गई, रोज 5000 सोना और उनको राज्य कोष में जमा करानी थी, और कोई वैष्णव अपनी बेटी के ब्याह के हिसाब से सहायता लेनी वहां पहुंचे तो उनके घर से जो दंड के रुपए आए थे वो वैष्णव को दे दिए, और तय ये हुआ था कि जिस दिन राज्य कोष में वो पेनल्टी जमा नहीं करवाएंगे उस दिन उसको उतने कोड़े खाने पड़ेंगे। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार लिया कि मैं खा लूंगा। अब वो जो मुगल था उसे ये समझ में नहीं आया कि इतनी कड़ी सजा ऐसे हंसते मुंह से ये कैसे स्वीकार ले रहे हैं,
तो उनका क्या विचार था, ये देह मेरा थोड़ी है, मैंने भगवान को दे दिया है, भगवान का देह, वो जाने जो करना हो सो करें। तब उसका दर्द या दर्द की कल्पना भी नारायण दास को नहीं हो रही है। तो ये पार का पराया मान लेने पर ऐसा होता है। हम जिनके भीतर जैसे शरीर है उसमें तो चलो इतना हम स्थित प्रज्ञता नहीं ला सकते या तटस्थता नहीं ला सकते हैं, कई बार ला भी सकते हैं बहुत बड़ी पीड़ा हो तो, जैसे किसी का हाथ एक्सीडेंट में ऐसी जगह फंस गया कि अब उसे बिना काटे उसका जीवन संभव नहीं है। अब पहले तो बेचारा वो सोचेगा कि हाथ नहीं रहेगा तो कैसे होगा, उसकी ममता उसमें है, पर जब ये सोचेगा कि भी जीवन ही नहीं रहेगा तो उससे अच्छा है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित, हाथ काट दो। अब वो उसने हाथ के अंदर कोई ऐसा परायापन सोचा तभी तो वो निर्णय ले पाया, अगर हाथ को ही अपना जीवन मानता तब तो वो उससे संभव नहीं था। यदि नाखून बाल को हम काटते हैं कि नहीं, वो हमारे शरीर का ही हिस्सा है, पर अब बाल बढ़ के आंख में घुस जाते हैं, मुंह में घुस जाते हैं, नाखून करते हुए ठाकुर जी को लग जाते हैं, तो ऐसे अंग का काम क्या है, काट फेंको। तो उसको पराया मानकर, पर जिन लोगों को उसमें इतना ममत्व है वो ऐसे राक्षस जैसे नाखून रखते हैं, वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो अपने को ये लगता है, ठाकुर जी को भी लगता है कोई पूतना आई या कोई तृणावर्त बकासुर आया, ये कौन कौन प्राणी आ गया सेवा में। तो जिनको इतना अध्यास अपने उन सेवोपयोगी उपकरणों में है उनके प्रति ठाकुर जी का भी कुछ ऐसा ही लीलात्मक स्वरूप हो जाता होगा कि पग बकासुर आ गया कि पूतना आ गई। ठाकुर जी को भी इच्छा होती होगी नृसिंह रूप लेके मैं भी उदर विदारण करूं उसका। जब सामग्री में बाल उड़ उड़ के पड़ते हो, जो मुंह में निवाला नाक हो उसमें बाल आ जाए, जो मुंह वाला बाल आ जाए, तो उससे अच्छा हो कि पुष्टि मार्ग में आने के साथ पहली दीक्षा टकलू होने की हो जाए, बाल हो तो समस्या। अपने ये परिपाटी रही, बिना बाल बांधे ठाकुर जी की सेवा नहीं हो सकती है, नियम है ये। जैसे नर्सों को और इनको आजकल जो अच्छे खाने बनाने की जगह होती है वहां टोपी ओपी पहनाते हैं रसोइयों को, अपने यहां भी ये नियम है, मुंह पे मुख वस्त्र लगाना चाहिए, बालों को बांधना चाहिए, खुले बाल से नहीं जाना चाहिए। बालों को गीला करने में भी यही कारण है, सूखे बाल होने पर उड़कर गिरने की संभावना रहती है, गीले बाल एक दूसरे से चिपके होते हैं तो उड़कर गिरते नहीं है। तेल वेल भी इसी दृष्टि से डालना अच्छी बात है, सेवोपयोगी है। तो जहां भी ऐसा आत्माध्यास है हमारा, वो शरीर का अंग है, वो शरीर में अगर हम थोड़ा बहुत परायापन ला लेते हैं तो फिर उसके दुख हमें दुखदायी नहीं हो जाते हैं। एक बार किसी श्यामदास से ही सुना था, किशनगढ़ महाराज का ऑपरेशन हुआ पांव का, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एनेस्थेसिया देंगे, बेहोश करेंगे जिससे आपको दर्द नहीं हो। तो उनको ये हुआ कि नहीं, मैं तो क्षत्रिय हूं, सामने छाती से हम लड़ने वाले लोग हैं और तीर और तलवार भाले के घाव हम हमारे शरीर पर झेलते हैं, उनको बेहोशी में आप हमारे ऊपर शस्त्र चलाओगे, ऐसा हो कैसे सकता है। तो उन्होंने कहा मैं एनेस्थेसिया नहीं लूंगा, बिना एनेस्थेसिया के ही मैं मेरा पैर कटवाऊंगा। तो बिना एनेस्थेसिया के कटवा लिया। अब कुछ परायापन उन्होंने माना होगा ना उसमें कि ये अंग अब मेरा अंग नहीं है, जिसके साथ जो करना हो सो करो। हम आंख मीचते हैं कई बार, जो बहुत डरते हैं इंजेक्शन इंजेक्शन लेते हैं तो आंख मीच लेते हैं यूं, फिर एक आंख खोल के यूं देखते भी जाते हैं कि सुई कहां तक पहुंची वो तो जब घुसेगी तो अपने आप पता चलेगा, नहीं देखोगे तब भी, पर डर के मारे आंख भी बंद करनी है जैसे हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। वो बोलते भी आसपास वाले ऐसे, बेटा कुछ नहीं होगा, डरो मत, बिल्कुल बस हो गया हो गया हो गया, और यूं करके और लगा देते हैं। उस समय भी कुछ परायेपन का हम वहां अनुसंधान करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। बालक को भी हम ऐसा भुला देते हैं, उनको कुछ लगभग जाती है तो कुछ बड़ा आवाज कर देते हैं, किसी को कह देते हैं कि देखो वो पड़ गया गिर गया, तो उसका ध्यान वहां बट जाता है और उसके साथ उसका दर्द, मन वहां मनोयोग नहीं होता है तो दर्द का अनुसंधान भी नहीं होता है। इसी तरह
यहां भी हमें समझना चाहिए पारक्यवत, यानी ये पराये हैं। पराये का मतलब भगवान के हैं, भगवान के हैं तो ठीक है, भगवान जैसे रखें ऐसे रहेंगे। तो प्रतिबंध सामर्थ्य से निवृत्तत्वाच्च सेवांगीकार इति नकाचित अनुपपत्ति ही, वो स्वरूपता होते हुए भी उनमें प्रतिबंध का सामर्थ्य नहीं रह गया है, इसके कारण प्रभु दोष वाले जो जीव हैं उनके द्वारा की जाती सेवा का भी अंगीकार कर लेते हैं। अब ये प्रश्न है कि ठीक है, इस तरह से दोष के निवारण का आपने उपाय बतलाया, पर ननु एवं विधायाः दोष निवृत्तेः प्रायश्चित्तादिनापि संभवात्। ये जो आप दोष के निवारण की बात कर रहे हैं वो तो प्रायश्चित आदि से भी दोष का निवारण शास्त्र में कहा ही गया है, तो ब्रह्म संबंधतः को विशेषः, ब्रह्म संबंध से क्या नए इसमें सिंह पूछ आ रहे हैं, इस दोष निवारण में ऐसी क्या नई बात है जिसके लिए प्रायश्चित आदि नहीं करके ब्रह्म संबंध ही लेना चाहिए, ऐसा आग्रह आप रख रहे हैं, है कि नहीं? यहां तो इसके लिए आज्ञा कर रहे हैं कि अन्यथा सर्वदोषाणाम न निवृत्ति ही कथंचन। अभी लेना है या थोड़ा विराम करें? कर लें, नहीं तो दोष फिर प्रतिबंधक हो जाएंगे। ठीक है, हाँ इसको करना है। बिजली हुई चालू? श्री पुरुषोत्तम जी ने दोनों श्लोकों को साथ में रखकर और निरूपण किया है, तो आगे आने वाला जो श्लोक है उसका भी विवरण आपने पूर्व के श्लोक में कर दिया है, तो जब हम ये संपन्न हो गया तब हमें ऐसा लगा कि दो श्लोक हो गए, अभी थोड़ा लंबा लग रहा है, तो बोरिंग नहीं है, अच्छा है निरूपण तो। जो बेचारे पहली पहली बार आ रहे हैं और सुन रहे हैं या मूल को लेकर पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी सजा लग रही होगी। अब जो निरूपण था उसमें एक आशंका यहां ये आप खड़ी कर रहे हैं कि प्रायश्चित आदि दोष निवारण के कई उपाय शास्त्र में कहे गए हैं, उन उपायों से दोषों का निवारण न कराकर ब्रह्म संबंध का इतना आग्रह क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि वो सिद्ध उपाय हैं, यानी जाने पहचाने उपाय हैं, वो लोक में प्रचलित भी हैं, छोटी छोटी बात में लोग प्रायश्चित कर लेते हैं, व्रतोपवास कर लेते हैं, मंत्र जप कर लेते हैं, कुछ हवन कर देते हैं, दान पुण्य कर लेते हैं, तीर्थ यात्रा या गंगा स्नान आदि कर लेते हैं, तो ये सब तो दोष निवारण के बहुत प्रसिद्ध उपाय हैं, फिर ब्रह्म संबंध में ऐसी क्या विशेषता है, ये मुख्य प्रश्न है। आप पंखो बंद करोगे तो थी सके, ये वाला आप फैन बंद करी देना, आना त्या हलशे नहीं। तो भगवान, हो सकता है कि महाप्रभु ने ही भगवान को यह प्रश्न पूछा हो,
तो भगवान ये आज्ञा कर रहे हैं कि अन्यथा सर्वदोषाणाम न निवृत्ति ही कथंचन। ब्रह्म संबंध के अलावा और किसी उपाय से इन दोषों की निवृत्ति संभव नहीं है, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब भगवान ने तो कह दिया तो हमें तो उसे मानना ही होगा, भगवत वचन है तो उसे समझना कैसे, क्योंकि जो उपाय हैं उनकी उपाय रूपता तो सर्वमान्य है, और ऐसा नहीं है कि वो उपाय किसी और ने बतलाए हों, स्वयं भगवान के मुख से ये उपाय दोष निवृत्ति के बताए गए हैं। जैसे भगवान गीता में आज्ञा करते हैं कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुनः, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से अधिक पवित्र और कुछ नहीं है, और ज्ञानाग्नि ऐसी वस्तु है कि वो सभी कर्मों को भस्म कर देती है। तो ये भी तो भगवान का ही वचन है, तो क्यों ज्ञान साधना न करनी। जैसे बलराम जी के प्रसंग में प्रसिद्ध है कि उन्होंने सूत जी की हत्या की, तो जो अन्य ऋषि वहां बैठे हुए थे उन्होंने ब्रह्म हत्या का पाप उनके ऊपर लगाया कि भले ही सूत जी ब्राह्मण नहीं थे पर उस प्रसंग में उपदेश का कार्य हम उनसे ले रहे थे तो कर्म से वो ब्राह्मण उस समय थे, तो उनकी हत्या से आपको ब्रह्म हत्या लगी, तो उस ब्रह्म हत्या का निवारण तभी संभव है कि जब पूरे भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा आप करें। तो तीर्थ यात्रा से पाप नष्ट होते हैं ये पुराणों में भी प्रसिद्ध है, और बेचारे गंगा जी तो उनकी पैदाइश ही उसी तरह से हुई है पाप धोने के लिए। तो अब इन सब प्रसिद्ध उपायों को छोड़कर क्यों यहां ब्रह्म संबंध का इतना आग्रह रखा जा रहा है, तो भगवान ने तो एक शब्द में जवाब दे दिया कि मुझसे अगर ये सवाल पूछते हो तो मेरा तो ये कहना है कि ब्रह्म संबंध से अतिरिक्त और किसी उपाय से इन दोषों की निवृत्ति संभव नहीं है। यानी कथनचना यानी किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से मतलब कर्म ज्ञान भक्ति रूपेण साधने न दोष निवृत्ति, कर्म हो चाहे ज्ञान हो या भक्ति हो, ऐसे किसी भी साधनों से इन दोषों का निवारण संभव नहीं है। दोष हेतु नाम कर्म देश काला नाम विद्यमानत्वात्, उसमें क्या हेतु कि दोष को पैदा करने वाले कर्म देश काल ये तो सदा सर्वदा यहां हैं ही, तो वो जब तक रहेंगे या उसमें हम जब तक रहेंगे देश काल और कर्म में तब तक वो दोष नित्य नवीन दोष पैदा होते ही रहेंगे। तो एक बार आपने कर्म किया, माना कि कोई यज्ञ से दोष दूर हुआ, पर काल जिसमें आप हैं वो फिर से दोष आपको लगाएगा, जिस स्थान में है वो स्थान आपको फिर से दोष लगाएगा। इतना ही नहीं, जो आप कर्म कर रहे हो वो कर्म में भी कोई दोष की संभावना बन जाती है अगर उन कर्मों को आपने सांगोपांग नहीं किया, यानी देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म अगर ये शास्त्र शुद्ध नहीं है तो वो कर्म भी फिर दोष पैदा करेगा, और ये सब शुद्ध है पर कुछ न्यूनातिरिक्त दोष हो गए तब भी समस्या है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी उपाय हैं वो उपाय सतही तौर पर दोष दूर कर पाते हों ऐसा संभव है, पर दोष का निर्मूल नाश करने का सामर्थ्य कर्म ज्ञान या अन्य कोई भक्ति आदि साधनों में नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये सब तो विद्यमान है, संयोग स्पर्शाभ्याम तदुत्पत्ति नैयत्यात्। संयोग जो हमने देखा कि बुद्धिपूर्वक संकल्प पूर्वक मनोयोग पूर्वक कुछ दोष हो जाते हैं, और स्पर्शज यानी अभान अवस्था में अज्ञानता में कुछ दोष हो जाते हैं, तो संयोगज दोष को शायद हम टाल भी सकें पर स्पर्शज दोष
अनजाने में होने वाले दोष हैं, उनको आप कैसे निवारण कर पाओगे? जैसे रात को आप सो रहे हो, भरपूर निद्रा में हो,